नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह के आवास पर छापा मारा गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव के कार्यकाल में अवैध खनन के गंभीर आरोप जिलाधिकारी पर लगे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हुए खनन घोटाले के मामले में सीबीआई ने बुधवार को बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह के आवास पर छापा मारा है। सिंह पर आरोप है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में फतेहपुर जिले के डीएम रहते हुए उन्होंने अवैध खनन करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई की टीम बुधवार सुबह उनके आवास पर पहुंची और लगभग 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की है। अभी भी उनके साथ पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इसी के साथ अभय सिंह के आवास के साथ साथ दफ्तर पर भी छापा मारा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह के आवास पर छापा मारा गया है, साथ ही उनके दफ्तर पर भी छापा मारा गया है। सिंह पर आरोप है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में फतेहपुर के डीएम रहते हुए उन्होंने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर खनन पट्टों की बंदरबाड़ी। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता यतीन शर्मा जुड़ गए हैं। यतीन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, समझिए, बुलंदशहर के डीएम सुबह तड़के सीबीआई ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान इन्हें यहाँ पर कई दस्तावेज उन्होंने अपने कब्जे में लिए। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मामला है। जो डीएम अभय सिंह है, ये 2014 में जो उनके अखिलेश यादव की सरकार के दौरान इन पर गंभीर आरोप लगे थे, इसी के चलते यहाँ पर सीबीआई ने जो गाजियाबाद से टीम आई थी, उन्होंने कई सदस्य टीम ने यहाँ पर छापेमारी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो सीबीआई है, यहाँ से अभी बाहर से नोट गिनने की मशीन के अंदर लेके गई है। भारी मात्रा में नोट बरामद किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली जा रही है कि जो नोट है उन्हें मशीनों के पास ही नजर आए, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मामला है। यतीन, इससे पहले अगर बी चंद्रकला की बात करें, जो बुलंदशहर की पूर्व जिलाधिकारी रह चुकी है, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे। हाँ देखिए, जो बी चंद्रकला है, उन पर भी पहले भी काफी गंभीर आरोप लगे थे। इसी के चलते घोटालों को लेकर चलते उनको उन पर आरोप लगे थे। बी चंद्रकला भी बुलंदशहर में डीएम रह चुके हैं, लेकिन अब जो वर्तमान में अभय सिंह है, जो यहाँ पर अब डीएम है, इन पे भी आरोप लगे हुए हैं। ये 2013 का मामला है, जो घोटालों को लेकर चलते हुए इन पर आरोप लगा था, तो उसी के चलते जो कार्रवाई चल रही थी। लेकिन आज सुबह तड़के गाजियाबाद सीबीआई की 16 सदस्य टीम आई थी, उन्होंने आज यहाँ पे छापेमारी की है। अभी भी लगातार जांच की जा रही है, डीएम अभय सिंह से पूछताछ की जा रही है, अंदर मीडिया को भी अंदर की जांच चल रहा है। चलिए यतीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह के आवास के साथ साथ उनके दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। अवैध खनन करवाने के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।